यूक्रेनी सोल्जर्स ने M777 तोप से कहां पर तबाही मचाई, रूसी टारगेट पर यूक्रेन के हथियारों का जखीरा। न्यूक्लियर अटैक को लेकर पुतिन के बयान से क्यों फैली सनसनी। अमेरिका ने रूस को क्यों दी वार्निंग और वॉर जोन की विध्वंसक। और बड़ी खबरें कौन सी है, महायुद्ध टॉप 9 में आप देखिए। बैटलफील्ड में रूस के खिलाफ यूक्रेनी आर्टिलरी जबरदस्त एक्शन में है। यूक्रेनी सोल्जर्स M777 तोप से रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रही हैं। हमले के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। भीषण युद्ध में यूक्रेनी आर्टिलरी फोर्सेस रूस पर भारी पड़ती दिख रही हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी बमबारी का सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के जंगलों में रूस ने जबरदस्त अटैक किया है। रूस ने ड्रोन से तलाश कर यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट किया और यूक्रेनी सैनिकों के साथ हथियारों का जखीरा भी उड़ा दिया। रूस यूक्रेन की विध्वंसक जंग के बीच पुतिन के बयान ने सनसनी फैला दी है। न्यूक्लियर अटैक को लेकर पुतिन ने धमकी भरे लिहाज में कहा कि रूस पर परमाणु हमला करने वाले देश का धरती से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। परमाणु हमले को लेकर दिए गए पुतिन के बयान पर अमेरिका भड़क गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेट प्राइस ने रूस पर पलटवार करते हुए कहा कि न्यूक्लियर वेपन पर पुतिन ने लूज टॉक किया है। उनका यह बयान गैर जिम्मेदाराना है, रूस तनाव को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस से चल रही जंग के बीच जर्मनी के हथियारों से यूक्रेन भीषण पलटवार कर रहा है। जर्मन कंपनी रेन मेटाल 2024 तक यूक्रेन के लिए 2 स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगी। इनके जरिए यूक्रेन रूस के मिसाइलों को टारगेट करेगा। इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की लागत करीब 182 मिलियन यूरो आएगी। विध्वंसक हो रही रूस यूक्रेन जंग के बीच बखमुट में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त काउंटर अटैक करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं यूक्रेन की तरफ से विदेशी लड़ाके टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूस पर जैवलिन से अटैक का वीडियो सामने आया है जिसमें एक मकान की छत से यूक्रेनी सोल्जर निशाना लगाता दिख रहा है। जैवलिन मिसाइल टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है। बखमुट के आर्टिमोवस में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रशियन आर्मी के जवान सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार से यूक्रेनी फोर्सेस पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। इन हमलों से पूरा इलाका दहल रहा है। आर्टिमोवस वही जगह है जिसे रूसी आर्म्ड फोर्स ने यूक्रेन से आजाद कराया है। रूसी फौज की गोलाबारी से खेरसोन के कई इलाके थर्रा उठे। इस इलाके में रूस ने घरों और अपार्टमेंट को निशाना बनाया। खेरसोन के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी फौज ने आम लोगों के आशियानों पर 68 गोले दागे। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।